पाव का नाम लेते ही मुंबई की पाव भाजी, वड़ा पाव याद आ जाता है, और आजकल वहाँ पर मसाला पाव भी बहुत फेमस है। तो चलिए बनाते हैं मसाला पाव। मसाला पाव रेसिपी मुंबई में आजकल बहुत फेमस है। इसके लिए हमें चाहिए बहुत सारा लहसुन, साबुत लाल मिर्ची और थोड़ा सा पानी। बस इन तीनों चीज़ों को ले लेंगे और हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। चटनी को हम बहुत ज़्यादा थिक नहीं बनाएंगे, इसको थोड़ा सा लिक्विड में रखेंगे, सेमी लिक्विड जैसे होता है उस तरह से। ये हमारी चटनी बिल्कुल रेडी हो गई और अब मसाला पाव बनाएंगे, जो बहुत ही ईजीली और बहुत ही जल्दी बनेगा। एक कढ़ाई ले लेंगे, उसमें खूब सारा बटर, जैसे कि पाव भाजी में डालते हैं वैसे ही इसमें मसाला पाव में भी खूब सारा बटर डालेंगे, और बटर के साथ साथ थोड़ा ऑयल डालेंगे। ऑयल हम इसलिए डालते हैं ताकि बटर जले ना, बिना ऑयल के बटर जलता है। अब इसमें हम डाल लेंगे 1 टीस्पून के करीब ज़ीरा, उसको हल्का सा भून लेंगे। अब इसमें डलेगा अनियन, मैंने यहाँ पर 2 बड़े अनियन लेके उनको बारीक काट के इसमें डाला है। प्याज को हल्का सा भूनने के बाद हम इसमें बारीक कटी हुई शिमला मिर्च डालेंगे, मैंने यहाँ पर 4 शिमला मिर्च डाली हैं बारीक काट कर, शिमला मिर्च का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा रहता है। अब इसमें 2 टमाटर डाल देंगे बारीक काट कर और इन्हें भूनेंगे। हरी मिर्चें डाल लेंगे, हरी मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो हरी मिर्चें ज़्यादा डाल लें, और अगर तीखा पसंद नहीं करते तो हरी मिर्चें कम कर लें, और नमक स्वादानुसार। हल्की सी लाल मिर्च डाल लेंगे इसमें, और 1 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें धनिया पाउडर डाला है, धनिया पाउडर का फ्लेवर भी इसमें अच्छा आता है, और इसे भून लेंगे। अब इसमें 2 टेबल स्पून पाव भाजी मसाला डाल लेंगे, और 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी, और बहुत सारा धनिया। अब जो चिली गार्लिक पेस्ट हमने बनाया था ना, 1 टेबल स्पून वो डालेंगे, मैंने 1 टेबल स्पून डाला है। अगर आपको तीखा कम पसंद है तो थोड़ा कम कर लेना, क्योंकि ये स्पाइसी बहुत होती है। अब इसको 2 से 3 मिनट तक कुक कर लेंगे, हमें इसे पूरी तरह से नहीं पकाना है, हल्का सा ही पकाना है और थोड़ा लिक्विडी रखना है। तो इसके लिए थोड़ा सा पानी, अराउंड 1/2 कटोरी पानी इसमें डालेंगे, और बहुत सारा धनिया डालेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा मैश भी कर लेंगे, ताकि हमारा मसाला जो है वो बारीक सा हो जाए। एक बात का ध्यान रखना है, इस मसाले को ओवर कुक बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि मसाला थोड़ा सा मुंह में आए तभी अच्छा लगता है। अब इसमें 1/2 नींबू या 1 नींबू आप इसमें डाल दो। मैंने यहाँ पर लादी पाव लिए हैं और इन पाव को मैं काट रही हूँ छोटे छोटे पीसीस में। एक कढ़ाई ले लेंगे, उसमें थोड़ा बटर डालेंगे, बटर के मेल्ट होने के बाद वापस से चिली गार्लिक पेस्ट का थोड़ा सा मसाला डालेंगे इसमें, और हल्की सी देगी मिर्च कलर के लिए, और उसमें जो हमने मसाला रेडी किया था भाजी का वो इसमें मसाला डाल देंगे। और अब इसमें धनिया डाल लेंगे, धनिया डालने के बाद हम इसमें जो हमने पाव काट के रखे हैं वो पाव इसमें डाल देंगे। ये मसाला पाव की रेसिपी बहुत टेस्टी लगती है और एकदम स्पाइसी, मज़ेदार और इंस्टेंट बनने वाली रेसिपी है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा इसको बनाने में। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करो, बच्चे बड़े सबको ये बहुत पसंद आती है। मसाला पाव बिल्कुल रेडी हो गया है, अब मैं इसे सर्व करूँगी। मैंने इसे एक प्लेट में धनिया और नींबू के साथ सर्व किया है, और दूसरे प्लेट में मैं इसको थोड़ा सा ऊपर से चीज़ डालकर सर्व करूँगी, क्योंकि मुंबई में चीज़ डालकर भी मसाला पाव मिलता है और वो इसी तरह से बनाया जाता है। रेसिपी दोनों की बिल्कुल सेम है, बस उसके ऊपर थोड़ा सा चीज़ डाल दिया जाता है। आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।